ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा अभी तक। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कलेक्शन सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस आर द कलेक्शन ऑफ डेटा। सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क लाइक यूजर्स सॉफ्टवेयर। वी यूज सॉफ्टवेयर टू अकम्पलिश अवर वर्क। हम अपने कामों को करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जैसे कि हमें टाइपिंग करना है, मूवी देखना है, रिजर्वेशन करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, व्हाट्सएप करना है, फेसबुक करना है, ये सारे काम जो हम कंप्यूटर से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से करते हैं, वो सभी काम हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं। सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने कैटेगरी देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर और आपका यूटिलिटी प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में हम लोगों ने देखा जो हमारे कस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं और जो साइंटिफिक सॉफ्टवेयर हैं, या उनको हम ऐसे कह सकते हैं जो हम अपने आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हैं, शॉपिंग के सॉफ्टवेयर हैं, मेडिकल स्टोर का सॉफ्टवेयर है, घरों में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, ऑफिस में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर हैं, ये बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जितना भी आपका ऑफिस वगैरह में यूज होता है, ऑफिस में, स्कूल्स में, ठीक है, एजुकेशन में और हॉस्पिटल्स में, ये सब, इन सब जगहों पर जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं वो हमारे बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक और बताया था, साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि जितने भी रिसर्च वर्क हैं, या आपका जैसे नासा में जो नासा है, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, और आपका इसरो है, ठीक है, DRDO है, भाभा है, ऐसी जगहों पर जो सॉफ्टवेयर यूज करे जाते हैं वो हमारे भाभा। और जो आपका जैसे मौसम की भविष्यवाणी करने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, वेदर फोरकास्टिंग का मतलब है वेदर मतलब मौसम, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी, वेदर मतलब होता है मौसम, मौसम की भविष्यवाणी करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, नासा में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर हैं, सिटी स्कैन करने में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, एक्सरे करने में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, पैथोलॉजी में खून की जांच करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे इस तरह की फील्ड में जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो हमारे साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं बिजनेस। अब हमारा वो आप हेडिंग डालिए एप्लीकेशन, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेडिंग डाल लीजिए आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो उसमें हमने आपको हेडिंग में लिखवाया था, उसी में आप लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ लीजिए कि आपका, जैसे हमने नर्वस सिस्टम बताया था ना, बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करता है। बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसा सॉफ्टवेयर है, इट इज अ, आप यहाँ लिख लीजिए, इट इज अ मेन सॉफ्टवेयर।
it control internal and external activity of computer system. ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। एक स्टूडेंट है, उन्होंने भेजा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर, क्योंकि ये मेन सॉफ्टवेयर है। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, पैरालिसिस एक डिजीज होती है जिसको हिंदी में कहते हैं लकवा। तो लकवा जो होती है उसमें नर्वस सिस्टम ही पे ही अटैक होता है, यानी कि जिसको लकवा मारता है, जैसे कभी कहते हैं इनको हाथ का लकवा मार गया या बाईं तरफ लकवा मार गया, खुदा ना करे भाई किसी को ये लकवा मारे, बहुत डेंजर ये डिजीज है। तो लकवा का मतलब होता है, पैरालिसिस का मतलब होता है कि नर्वस सिस्टम ने उतनी बॉडी के पार्ट पे से अपना कंट्रोल हटा लिया है, या नर्वस सिस्टम उतनी बॉडी पे अपना कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसलिए उतनी बॉडी जिंदा तो है, उसमें ब्लड भी है, उसमें वेन्स भी हैं, वो जिंदा तो है, बट वो किसी भी काम का नहीं है। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी, यानी कि ये क्या करता है, देखिए कंप्यूटर की जो बेसिक वर्किंग हमने आप लोगों को बताई थी वो क्या बताया था, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, और कंप्यूटर क्या करता है, स्टोर भी करता है। ठीक है, स्टोर, ये बेसिक बताया था। इस पूरी वर्किंग को इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, इसको कंट्रोल करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दैट मीन्स के इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स कि देखो आउटपुट, अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा तो आउटपुट डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर इसमें अलग होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोसेस को कंट्रोल करेगा तो प्रोसेस के लिए सॉफ्टवेयर इसमें होगा। स्टोरेज को, यानी कि मेमोरी को कंट्रोल करेगा तो मेमोरी के लिए। इनपुट को कंट्रोल करेगा तो इनपुट के लिए सॉफ्टवेयर, इसलिए इनपुट के लिए सॉफ्टवेयर, प्रोसेस के लिए सॉफ्टवेयर, आउटपुट के लिए सॉफ्टवेयर, मेमोरी के लिए सॉफ्टवेयर, इन सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है। क्या कलेक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब इंटरनल एक्सटर्नल एक्टिविटी क्या है कंप्यूटर के लिए, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, ठीक है, और स्टोरेज है, यही तो एक्टिविटी उसमें मेन होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। आप ये कह लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट लाइन है, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओएस लिखते हैं। ओएस, आपको ओएस कहीं भी दिखाई पड़े तो आप समझ जाएंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। जैसे सॉफ्टवेयर को S/W लिखते हैं, वैसे इसको O/S, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वर्क एज बैकबोन,
बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी. रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन विच द बॉडी इज स्टैंड. दैट मींस अगर बैकबोन नहीं होगी तो बॉडी क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, डैमेज हो जाएगी, बैठ जाएगी, खत्म हो जाएगी. उसी तरीके से अगर कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी काम नहीं करेगा, भले उसके पर सारी एप्लीकेशंस हैं. मान लीजिए कि सब एप्लीकेशन सारी, मतलब वर्ड भी है, पावर पॉइंट भी है, एक्सेल भी है, पेंट ब्रश भी है, म्यूजिक का सॉफ्टवेयर, वीडियो का सॉफ्टवेयर, इंटरनेट का सॉफ्टवेयर, मेल का सॉफ्टवेयर, फेसबुक का सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर हैं उस पे, बट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो फिर वो कंप्यूटर नहीं चलेगा, कोई काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये बैकबोन है, ये बैकबोन की तरह वर्क करता है. ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो जो भी काम आप कंप्यूटर पे करते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए कि ये आपने कंप्यूटर पे, ये मान लीजिए कंप्यूटर है, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ये कंप्यूटर है. अब कंप्यूटर पे जो भी वर्क करना है, इसको थोड़ा सा हम इधर बनाएंगे साइड में, जैसे मान लीजिए तो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और ये आपका यूजर, इसके अंदर हम लिख लेंगे यूजर, इसको बना लीजिए, और इसके अंदर लिख लीजिए आप कंप्यूटर, ठीक है, और बीच में आप यहाँ पर बना लीजिए कोई भी डायग्राम में, आप सिंबल कैसा भी यूज कर लीजिए ना, हम अपने हिसाब से सिंबल यूज कर रहे हैं, आप सर्किल ही यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. यहाँ आप लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ठीक है. अब आप एक डबल हेडेड एरो इधर लगा दीजिए, हैं, डबल हेडेड एरो बताया था आप लोगों को, डबल हेडेड एरो मतलब दोनों तरफ. यूजर कंप्यूटर पे कोई भी काम करता है तो उसकी हेल्प कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. कंप्यूटर खोलने से लेकर के, कंप्यूटर को ओपन करने से लेकर के, कंप्यूटर को बंद करने तक का सारा कंट्रोलिंग, ऑल कंट्रोलिंग इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल कंट्रोलिंग, ऑल कंट्रोल डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. इट वर्क्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर, ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है. इंटरफेस का मतलब होता है मीडिएटर, ठीक है, ये किसका काम कर रहा है, इंटरफेस. तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं लाइन, ये लाइन आपने लिख ली होगी ऊपर वाली, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन हम इधर ले, अब यहां पर हम लिख देते हैं यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिए इस फिगर के अकॉर्डिंगली, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज इंटरफेस, इंटरफेस मतलब मीडिएटर, बीच का. ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है. हाँ, फिगर के बाद लिखो, और कहाँ लिखोगे, अब हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो हम ऊपर लिख रहे हैं, तुम लोग कंटिन्यूएशन में लिखा करो, ठीक है. अब ऐसा नहीं कि हमने ऊपर से हटाया तो आप लोगों ने भी ऊपर से हटा दिया है, पेज कैंची लेके बैठे ऊपर का पेज काट दिया कि सर ने ऊपर का काट दिया है, हम लोग भी कैंची लेके काट देंगे. तुम लोग कंटिन्यूएशन में करा करो, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू
कंटिन्यूएशन में न्यू पेज न्यू पेज न्यू पेज में करते रहा करो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हमारा ये लिमिटेड एरिया है, तुम लोग का अनलिमिटेड कॉपी, पलटते जाओ लिखते जाओ। अब हमारे पास तो एरिया छोटा है ना, तो इसलिए एक स्टूडेंट है वो पूछ रहे हैं कि सर आगे लिखना है, तो वही हम बता रहे हैं हाँ इसके कंटिन्यूएशन में लिखना है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर आपने ये समझा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंटरफेस। अब बताओ ये इंटरफेस, अब हम यहाँ पर ये इंटरफेस यहाँ से अगर हटा देते हैं, तुम लोग मत काट देना, ये हम सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। अगर इसको हटा देते हैं तो ये इंटरफेस हट गया, ये इंटरफेस हटने के साथ साथ क्या होगा, सारे कंट्रोल हट जाएंगे। जब सारे कंट्रोल हट जाएंगे तो यूजर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्किंग। तो एक्सटर्नल वर्किंग में यूजर आ जाएगा ना, तो यूजर काम नहीं कर पाएगा, यूजर कैन नॉट परफॉर्म अ वर्क। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट वर्क्स एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। इसमें से अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में से इस सॉफ्टवेयर को, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को हटा देते हैं तो हमारा काम कुछ भी नहीं होगा, कंप्यूटर एक डम्ब हो जाए, क्योंकि बैकबोन की तरह भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो इट बिकम डम्ब। ठीक है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, आपने इसके नाम सुने होंगे, इसके एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है? क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा विंडोज। देखो इसको तुम लोग ऐसे लिखो, यहाँ ऊपर लिख लो नेम ऑफ ऑपरेटिंग, या ऐसे ही लिखते चलो कोई दिक्कत नहीं, सही लिख रहा हूँ। विंडोज, विंडोज इज व्हाट, नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है? विंडो इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है एमएस, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है? विंडोज आपने नाम सुना होगा। अब इसके बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे सैमसंग एक कंपनी है। अब सैमसंग के जो मोबाइल आते हैं वो A7, J7, 9, कई कई मॉडल्स आते हैं। इसी तरह जैसे वीवो है, वीवो एक कंपनी है, उस कंपनी के जो मोबाइल्स आते हैं वो वीवो 1, वीवो 2, वीवो 3, वीवो 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे। इसी तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, ये कई वर्जन्स में आता है। जैसे आपने सुना होगा विंडोज विन, इसको विन भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विंडोज 2000, एग्जाम्पल है, ये सब लिखते चलिए, विंडोज 2003, विंडोज 2007, विंडोज 2008, 2010। ठीक है? लेटेस्ट जो है वो आपका, जो लेटेस्ट है वो आपका 2010 भी है, 8 भी है और 7, ये लेटेस्ट है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट में नया आपका 2010 है, नाम सही समझ में आ रहा होगा, 2010, ईयर 2010। ठीक है? इसी तरीके से जैसे ये विंडोज है, आप कंटिन्यू लिखिएगा आप नेक्स्ट, है ना? दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर लिखिए आप, एक स्टूडेंट है उन्होंने कहा 2001 के बाद 2000, नहीं 2000 के बाद 2001 क्यों नहीं आया, क्वेश्चन बढ़िया है ये। इन्होंने कहा 2000 है, ये 2001 क्यों नहीं है, 2002 क्यों आया है? फिर 2003, 4, 5 कहाँ गया, यही पूछ रहे हैं ना आप। देखो होता क्या है
कि जब भी हम कोई भी चीज बनाते हैं तो बनाने में लगता है टाइम। तो जब 2000 आया तो 2000 के बाद उसमें और फीचर को ऐड करे गए, नए नए फीचर्स को ऐड करे गए, ठीक है, नए फीचर्स को ऐड करा गया। नया फीचर ऐड करते 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 इनको 2 साल निकल गया, तो आया 2003। 2003 में इन्होंने ये लॉन्च कर दिया। फिर 3 को इन्होंने अपडेट करा, अपडेट करा, इसमें ऐड करते गए करते गए करते गए करते गए, तो आया 2005। फिर ऐड करते गए तो ऐसे आया 2007। ये इसका आंसर है, क्लियर है? मतलब थोड़ा टाइम लगता है किसी भी मॉडल को, या कोई भी, जैसे कोई गाड़ी आती है, अब आया जैसे 100 cc गाड़ी आती है ना, गाड़ी में होता है ना सीसी, आता है कि 100 cc की गाड़ी है। अब ये बताओ 100 के बाद, आपने सुना है 120 cc की गाड़ी, 150 cc की गाड़ी, या 250 cc की गाड़ी। अब हम कोई ये कहे कि ये बताओ कि 101 cc कहाँ गई, 102 cc निकालनी चाहिए थी, 103 cc निकालनी चाहिए थी। इसका एक और जवाब है कि 103 या 110 cc को बनाने में भी उतनी ही मेहनत लगती जितनी की 120 cc लगी। थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ गई लेकिन 120 cc आ गई, ये भी इसका एक जवाब है। दूसरा टेक्निकल जवाब ये है कि जितना टाइम लगता है वर्जन्स को लॉन्च होने में सॉफ्टवेयर के केस में, जैसे जिस भी ईयर में लॉन्च हुआ, अब उसको बनाने में, एडवांस करने में 1 साल लग गया, 6 महीने लग गया, 2 साल लग गया, 4 साल लग गया, तो जिस साल वो लॉन्च होता है उस ईयर का वो नाम दे देते हैं, ठीक है। बहुत से सॉफ्टवेयर ईयर के हिसाब से नाम देते हैं, और बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे नाम देते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसके आगे लगा देंगे 1.1, फिर लगा देंगे 1.2, फिर लगा देंगे 1.3, फिर लगा देंगे 1.4। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं, जो आपने क्वेश्चन पूछा था पहले, बताइए कहाँ गया? ये आपने पूछा था आशुतोष, क्लियर है? ओके, अब देखो इसमें और कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, एग्जाम्पल ही चल रहा है अभी, है ना, अभी हम आपको एग्जाम्पल्स पढ़ा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखिए, ये तो विंडोज का एग्जाम्पल हो गया, डॉस। डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लिख लीजिए इसको, डिस्क ऑपरेटिंग, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यस सर, ठीक है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको बनाने वाली जो कंपनी है ये भी माइक्रोसॉफ्ट है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अब यूज नहीं होता है, इसको हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज से पहले का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका है लाइनेक्स। इसको जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का नाम है लाइनस, ठीक है, लाइनस, LINUS, लाइनस। इसको बनाने वाले का नाम भी लाइनस ही है, लाइनेक्स। इसी तरह से एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स। यूनिक्स बनाने वाली कंपनी का नाम भी यूनिक्स है, यूनिक्स इज द नेम ऑफ द कंपनी, और इसी कंपनी का नाम है यूनिक्स। ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिनकी कोई कॉस्ट ना हो, यानी कि जिनके लिए हमको, ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर होंगे, अथोराइज सॉफ्टवेयर होंगे, जेन्यून सॉफ्टवेयर होंगे, बट यू डोंट हैव टू पे एनी कॉस्ट। बट जो विंडोज है, देखो
जो आपका विंडोज है ये, इसको फिर से ऐसे लिख लो तो समझ में आ जाएगा। ये पेड सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसके लिए आपको पेमेंट देना होगा, खरीदना होगा। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। और जो आपका लाइनेक्स है और यूनिक्स है, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कैसे हैं, फ्री, इनको आपको परचेज नहीं करना पड़ता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो परचेज भी ना करना पड़े और लाइसेंस सॉफ्टवेयर हो, उन्हें हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब आप अपने हायर एजुकेशन, हायर क्लासेस में पहुंचेंगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तब आप ओपन सोर्स की मैं कोडिंग कैसे करते हैं ये भी आप समझ जाएंगे। अभी आप चूंकि बेसिक में हैं, फंडामेंटल में है, तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और जेन्यून होते हैं और लाइसेंस्ड वर्जन होते हैं। और जो विंडोज के जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हमें परचेज करना पड़ता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते। ठीक है, जो हम सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में यूज करते हैं, जहां से हम कंप्यूटर खरीदते हैं, वो फ्री में दे देता है, तो वो हमारी जेन्यून कॉपी नहीं होती, लाइसेंस्ड वर्जन नहीं होता, वो डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर आपको दे देता है। उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। सॉफ्टवेयर हमेशा लाइसेंस को खरीद के ही करना चाहिए, परचेस करके ही करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आपके मोबाइल में, अब मोबाइल के लिए, ये तो आपके पीसी के लिए हो गए, ये सब आपके पीसी के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जितने हमने बताया आपको, विंडोज, लाइनेक्स, डॉस, यूनिक्स। ठीक है, अब आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर पड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं एंड्रॉयड। आपने नाम सुना होगा, आप कहते हैं एंड्रॉयड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल। एंड्रॉयड क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज का, ये नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। ठीक है, और इसकी कंपनी का क्या नाम है, किसी को पता है, बताओ एंड्रॉयड की कंपनी का नाम कोई बताएगा, कि एंड्रॉयड कंपनी का, एंड्रॉयड कौन सी कंपनी है, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, किसी को पता है, यस और नो, बिना गूगल पे देखे हुए, गूगल पे मत देखने लगना, ऐसे पता हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ओके, नहीं पता है किसी को, देखो बहुत आपने नाम सुना है लेकिन आपको पता नहीं है। देखिए अभी हम लिखेंगे ना तो आप कहेंगे अरे सर ये तो पता है। देखिए इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है गूगल। गूगल ही एक ऐसी कंपनी है, गूगल कंपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है मोबाइल के लिए, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है एंड्रॉयड। ठीक है, इस पे आपको हम नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ बताएंगे, तो इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट क्लास में। और इसमें देखो अब ये हो गया, ठीक है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी, एक आपने कंपनी का नाम सुना होगा एप्पल। ठीक है, एप्पल क्या है, नेम ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है किसके लिए, मोबाइल के लिए, उसका नाम ये रखती है iOS। ठीक है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS। ठीक है, ये क्या है, मोबाइल फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका, जो एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन होते हैं जो गूगल में एंड्रॉयड, तो उसको हम कहते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो गूगल कंपनी बनाती है। और जितने भी एप्पल के फोन आते हैं, एप्पल अपने फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है वो iOS होता है। ठीक है, और कंप्यूटर के लिए जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है उसे कहते हैं मैकिंटोश। मैकिंटोश क्या है, नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज के लिए, फॉर पीसी या फॉर
लैपटॉप, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी का यूज होता है उसका नाम है मैकिंटोश। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैक भी कहते हैं, मैक। क्लियर है? तो आपके आपको हमने बताया कि विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर पे यूज होने वाले। उसी तरीके से मोबाइल में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड की कंपनी है गूगल। आईओएस, आईओएस मोबाइल में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी कंपनी है एप्पल। एप्पल कंपनी जो अपने लैपटॉप और पीसी के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाती है वो है मैक। अब ये लास्ट मिनट है मीटिंग का, ठीक है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।